10 दिन पहले ही भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवाया था। जब भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना, हमारा मिशन चंद्रयान अब भी जारी है। लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 50 दिनों बाद इसरो का एक और मिशन तैयार है, जिसका नाम है आदित्य L1। ये मिशन सूरज से जुड़ा है, जो कुछ ही घंटों बाद अपना सफर शुरू करने वाला है। तो मिशन सूर्य का आज आगाज होने वाला है, लेकिन सूरज के रहस्यों से पर्दा उठेगा और आपको हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है और एक कामयाबी दूसरी का रास्ता खोलती है। इसरो का चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पीछे बहुत सारे प्रयास हैं। वैज्ञानिक इनोवेशन है और साथ में कम कीमत पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना दुनिया में और कहीं मुमकिन नहीं है। भारत अब अगली चुनौती के लिए तैयार है, यानी अंतरिक्ष में भारत का नया मिशन आदित्य L1। चंद घंटे बाद ही अंतरिक्ष में इसकी रवानगी होने वाली है। इसरो का मिशन आदित्य L1 एक और अनूठी पहल है। आप जो भी सोचते होंगे कि सूरज जैसे अग्निपुंज के करीब जाकर हम करना क्या चाहते हैं और हम जा क्यों रहे हैं। ये देश का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है। आदित्य L1 मिशन का काम होगा सूर्य के ऊपर वायुमंडल का अध्ययन। इससे सूरज की बाहरी परत की जानकारियां जुटाई जाएंगी। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जिसे 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में ये स्थापित किया जाएगा। सैटेलाइट को L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित करना है। बिना ग्रेविटी वाले क्षेत्र को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। इसी L1 पॉइंट पर आदित्य L1 सूर्य के चक्कर लगाएगा, क्योंकि L1 पॉइंट से सैटेलाइट पर सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां इस उपग्रह को स्थापित किया जाएगा वह गुरुत्वाकर्षण के बाहर का क्षेत्र होगा। वहां से न सूरज अपनी तरफ खींचेगा और न पृथ्वी। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 एक खिड़की की तरह सूरज के रहस्य खोलेगा और उसी खिड़की से सूरज की जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। आदित्य L1 के द्वारा इसरो के वैज्ञानिक सूर्य के बाहरी आवरण के साथ साथ सूर्य के अंदर होने वाले उन तमाम हलचलों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि सूरज से निकलने वाले तमाम पराबैंगनी किरणों का सूरज के आसपास के तमाम ग्रहों, जिसमें धरती भी शामिल है, उसके मौसम पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। शनिवार की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो सबसे पहले सोलर मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसकी हर अपडेट और तस्वीर आप तक ABP न्यूज पहुंचाएगा। लॉन्चिंग से लेकर ऑर्बिट इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के 3 चरण होंगे। पहला फेज है PSLV रॉकेट की लॉन्चिंग। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV से सैटेलाइट लॉन्च होगी। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। दूसरा फेज होगा पृथ्वी के चारों ओर आदित्य L1 की ऑर्बिट को सिलसिलेवार बढ़ाना और सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालना। तीसरा फेज होगा सूर्ययान को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकालना। इसके बाद आखिरी पड़ाव यानी L1 में सैटेलाइट स्थापित की जाएगी। Take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun. And it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun. आज भारत मिशन सूर्य का आगाज करने वाला है, लेकिन सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिशें पहले से चलती आ रही हैं और हर स्पेस मिशन की तरह सोलर मिशन के लिए दुनिया के तमाम देशों में होड़ लगी है। ऐसे में अमेरिका इस मामले में सबसे आगे रहा। 6 दशक पहले उसने 3 मार्च 1959 को Pioneer 3 लॉन्च किया था। पायनियर ने सूर्य के चक्कर तो लगाए लेकिन मिशन नाकाम रहा। ऐसे में अमेरिका ने एक साल बाद नया मिशन लॉन्च किया। 11 मार्च 1960 को Pioneer 5 मिशन भेजा गया। वो अब भी सूर्य के चक्कर लगा रहे लेकिन नॉन फंक्शनल हो चुका है। ऐसे में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी सोलर मिशन शुरू किया, नाम था यूलिसिस। अक्टूबर 1990 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद मकसद था कि सूर्य के वातावरण का अध्ययन किया जाए। जापान भी पीछे नहीं रहने वाला था। जापानी स्पेस एजेंसी ZAZA ने अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च किया
और साथ ही 1981 में पहला सोलर सैटेलाइट हिनोटोरी भी लॉन्च किया। चीन के स्पेस एजेंसी CAS ने भी पिछले साल अक्टूबर 8 को 2022 को अपना मिशन लॉन्च किया था और इसका नाम था एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी और चीन को इसके सोलर मिशन में कामयाबी भी मिली थी। ऐसे में एक सोलर मिशन जर्मन अमेरिकन भी था, नाम था हेलियोसेक। 10 नवंबर को मिशन लॉन्च हुआ था 1974 में। जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर सूर्य पर रिसर्च के लिए ये मिशन शुरू किया था। तो कई और देश थे जो कि स्पेस साइंस में आगे जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ये सब जानेंगे, जो पहल करेगा वही आगे की राह बनाएगा और भारत भी इसमें अब पीछे नहीं रहने वाला। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।